अच्छा दोस्तों, जरा सोचिए क्या होगा अगर मेगलोडॉन और ब्लू व्हेल के बीच लड़ाई होती है तो। एनीवे, हम आपको बता दें, ब्लू व्हेल जो आज के समय का सबसे बड़ा जीव है, बट आज से लगभग 500 मिलियन साल पहले एक मेगलोडॉन नाम की शार्क समुद्र में राज करती थी। ब्लू व्हेल और मेगलोडॉन की लड़ाई की बात करें तो मेगलोडॉन आज से लगभग लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। हम आपको वैज्ञानिकों के अनुसार बता दें, उस समय मेगलोडॉन समुद्र का सबसे फुर्तीला जीव था और मेगलोडॉन के नुकीले और बड़े दांत हुआ करते थे, लेकिन ब्लू व्हेल ज्यादा वजन के कारण फुर्तीली नहीं थी। फिर भी ब्लू व्हेल के पास मेगलोडॉन से ज्यादा पावरफुल पूंछ है। अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो मेगलोडॉन अपनी फुर्ती की वजह से व्हेल के पेट पर हमला कर देगी और ज्यादा वजन के कारण व्हेल मेगलोडॉन को पकड़ नहीं पाएगी। इसलिए मेगलोडॉन के जीतने का चांस ज्यादा है, क्योंकि मेगलोडॉन शिकारी प्रजाति की शार्क है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर मेगलोडॉन जिंदा होता तो ब्लू व्हेल और मेगलोडॉन में कौन जीतता। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।